गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत करते हैं एसआरएस क्लासेस में। और थोड़ा सा सेशन लेट हो गया, कुछ टेक्निकल काम हो रहा था, ठीक है, एसी वगैरह खराब था, उसी का मैनेजमेंट हो रहा था, ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। फिर हम लोग मैनेज कर लेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ा के किसी तरह, आप लोग के लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज के लिए आपका मात्र एक सवाल कल का, जिसका जवाब दीजिए आप लोग। सवाल क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? इसके साथ ही हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। चलिए बताइए, प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है, आपको इसको जवाब देना है। गुड आफ्टरनून पूनम। सबको गुड आफ्टरनून। पहले जो सवाल पूछे हैं उस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। बताइए प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका हिस्सा है? उत्तर करिए इस क्वेश्चन का, यानी कि पेनिनसुलर जो प्लेटो है वो किसका हिस्सा है, बाट किसका है, ये जवाब करना है आपको। अनीता कुमारी, दानी, बसंती, पूनम, हिमालय का। बहुत बढ़िया जवाब दिया आप लोग, कैसे जवाब कर रहे हो यार, इतना बताने के बाद मैं बोला था कि ये आंसर कभी नहीं आना चाहिए। हिमालय का हिस्सा कैसे हो सकता है, वो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो हिमालय का हिस्सा है। टोटल भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, खुद अलग ही एक पार्ट है, और किसका हिस्सा है मैं आपसे ये पूछा था। कुमारी सूचा आनंद, चलिए हेलो नमस्ते। चलिए ठीक है, उत्तर करिए जो प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न का जवाब करिए, और चूंकि हम सेशन को जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, किसी का जवाब आ जाए, कोई एक आदमी सही जवाब कर दे। प्रायद्वीपीय पठार किसका? गुड, ललन कुमार का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, गोंडवाना लैंड का। इतना 15-20 मिनट भाषण दिए उस दिन इसी के लिए, हिमालय बताने के लिए। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मैंने बताया था कि कैसे हिस्सा है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के उत्तर पूर्व के तरफ विस्थापित होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं और आज के सेशन पे आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो हिस्सा आपने पिछले क्लास में जो हेडिंग डाला था, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, उसी को हम लोग आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करके चलते हैं। चलिए ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, भारत का आधा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। भारत का आधा हिस्सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने आधा ही रखा है यहाँ पे, क्योंकि जरूरत आपको आधा का ही है, ठीक। यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को ड्रॉ करेंगे हम लोग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, और सबका क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा से ड्रॉ करिए, पिछले दिन मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, नहीं दिख रहा है क्या ये? नहीं दिख रहा है ना ये? अरावली दिख रहा है, ये क्या है? अरावली है, ठीक है। अरावली के जस्ट नीचे आइएगा, थोड़ा सा फास्ट करिए, अरावली के जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक पठार मिलेगा जिसका नाम है मालवा का पठार। अरावली के नीचे आइएगा तो नाम है इसका मालवा का पठार, मालवा मैंने लिखा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके जस्ट अगर नीचे आते हैं तो एक पहाड़ मिलेगा, ऐसा लंबा सा पहाड़ है जिसका नाम है विंध्य पर्वत। क्या नाम है? विंध्य पर्वत इसका नाम है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, यहाँ पे विंध्य पर्वत हो गया। जस्ट विंध्य पर्वत के नीचे एक नदी बहती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो मैनेज करिएगा आप लोग, यहाँ थोड़ा सा विंध्य पर्वत और ऊपर जाएगा, विंध्य पर्वत को थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए आप लोग। ये क्या हो जाएगा? विंध्य पर्वत हो जाएगा। हाँ, विंध्य पर्वत के जस्ट नीचे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी, उस नदी का नाम है। तो यहाँ पे एक नदी का फ्लो कराइएगा, नदी का क्या नाम है? नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा, ठीक है। उसके नीचे डायग्राम में ही हर चीज है, बाकी अब चीजें आसान हो जाएगी। उसके नीचे आइएगा तो एक और पर्वत है जिसको क्या कहते हैं?
जिसको हम सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, ठीक है। और विंध्य और सतपुड़ा भी जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है, उसको हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सतपुड़ा कहते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? सतपुड़ा पर्वत इसको कहते हैं। फिर से आगे अगर आइएगा तो यहां पर सतपुड़ा के बाद से एक और नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम तापी नदी है। क्या है? उस नदी का नाम तापी नदी है, ठीक है। अब उसके नीचे अगर आते हैं हम लोग तापी के बाद से, तो एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है। इधर से एक पर्वत आती है ऐसे, और एक दक्षिण भारत से पर्वत आती है ऐसे, और यहां पे क्या बनता है? यहां पे पर्वतीय आपका घाट का निर्माण होता है। इस पर्वतीय घाट को हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं। इसको बाद में नोट करेंगे, पहले इस इधर की बातों को क्लियर करते हैं। अगर इसके पूरब में आइएगा, इसके पूरब में यहां पे बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड, और यहां पे क्या है? यहां पे बघेलखंड लिखा हुआ है। अब इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे एक और पार्ट बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। और इसके पूरब में आइएगा तो राजमहल पहाड़ी, जिसको इंडिकेट करना ज्यादा जरूरी नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा? शिलोंग या मेघालय का पठार, शिलोंग या मेघालय का पठार, ठीक है। चलिए इसके नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे पर्वतीय जो घाट बनता है, इधर वाले को क्या बोलते हैं? इधर वाले को पश्चिमी घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट। सबको खोलेंगे फिर धीरे धीरे। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? इधर वाले को पूर्वी घाट कहा जाता है, इधर वाले को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो घाट का निर्माण होता है, इस घाट को नाम दिया जाता है नीलगिरी पर्वत। अर्थात तो जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं उस पर्वत को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और ये राज्य तीन राज्यों में फैला है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला है। ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी कुछ तो दिख रहा हो। चलिए ग्रीन वाले को हटा देंगे, अभी मैनेज करिए आप लोग। नीलगिरी पर्वत मुझे तो लग रहा है उतना दिखाई दे रहा है आपको, इसको नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा मैं बोल दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नीलगिरी पर्वत के नीचे आइएगा तो यहाँ एक पर्वत है जिसको क्या नाम दिया जाता है? जिसको अन्नामलाई कहा जाता है। क्या? इसको अन्नामलाई कहा जाता है, अन्नामलाई कहा जाता है। और अन्नामलाई के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इसका एक पर्वत बनता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको कार्डमम पहाड़ी, लाल वाला जो है कार्डमम पहाड़ी, या इसी को इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और सबसे दक्षिण भारत की सबसे आखिरी चोटी पूछा है आपको बीपीएससी में, तो दक्षिण भारत की सबसे आखिरी चोटी क्या होगी? कार्डमम पहाड़ी। थोड़ा सा दिख रहा है ना भाई, काम चलाऊ तो दिख रहा है ना, मैनेज कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको दिख रहा होगा। मैप पे इसलिए बना रहा हूँ, मैं वो ब्लैक वाले पे बना देता, लेकिन मैप पे इसलिए बना रहा हूँ कि आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए, इसीलिए मैप पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, उम्मीद कर रहे हैं कि सब चीज आपको दिखाई देगा ही, ठीक है। तो ये क्या रहा आपका डायग्राम रहा। अब इन पर्वतों में क्या करते हैं? इन पर्वतों का भी डिविजन किया जाता है बहुत सारे पर्वतों में, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में नाम देंगे, ठीक है। जो ये पठार बन रहा है बीच वाला, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और यहाँ पे एक पठार बनता है जिसको हम दंडकारण्य का पठार कहते हैं। कौन सा? दक्कन पठार का ही भाग है क्या? दंडकारण्य दक्कन पठार का हिस्सा है, दंडकारण्य पठार। आपको क्या करना है? पहले इस सारी चीजों को ट्रेस कर लेना, बस मैनेज करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक वाला पे मैं ले लेता लेकिन जानबूझ के मैप पे ले रहा हूं मैं। Thank you.
सबका हो जाए तो एक बार बोल दीजिएगा, डायग्राम में जो वक्त लगेगा लगेगा, उसके बाद से आपको चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बस डायग्राम में जितना वक्त लगेगा आपको उतना ही वक्त लगेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा खींचना, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ। हो गया कुमारी, सुमारी, मैं कोशिश कर रहा हूँ टीआरई थ्री का जो है अपने टाइम से खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी मैं फोर का टारगेट ही लेके चल रहा हूँ, टीआरई थ्री को खत्म करूंगा टाइम से, मेरा फोकस ये है। उसके बाद से चीजों को हम लोग फिर समय बचा था टीआरई फोर के जो जुड़े हैं उनको रिवाइज करवा देंगे दोबारा, अगस्त तक एग्जाम होगा तो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये सबसे अच्छा आइडिया यही होगा। हो गया ना, तो चलिए आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको छोटा सा एक आपको आइडिया लेके चलना है कि क्या क्या चीजों हमको स्टडी करना है। आपसे मैं कुछ कुछ बातें पूछूं अगर तो आप खुद बताइएगा मेरे से, ठीक है। मैं जितना कह रहा हूं बस सुनिएगा उतना, ठीक है। इसी बात को पहले पूरा लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कि हम चीजों को समझ लें, किसके उत्तर में क्या है, किसके दक्षिण में क्या है, ये सवाल पूछता है। मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मैं पूछू कि अरावली के दक्षिण में क्या है, आप एकदम मेरे साथ बोलेगा, अरावली के दक्षिण में क्या है, मालवा का पठार। अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार, इसके पूरब में, अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार, मालवा के पठार के पूरब में कौन सा, बुंदेलखंड, इसके पूरब में बघेलखंड, बघेलखंड के पूरब या फिर कहें तो थोड़ा सा पूरब ही कहते हैं इसको, पूरब में क्या, छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार के पूरब में है क्या है, शिलोंग का पठार, ठीक है। उसके बाद फिर यहां आते हैं अरावली के उत्तर में मालवा का पठार, मालवा पठार के उत्तर में विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, सबको याद होना चाहिए पूरा डायग्राम ही, नर्मदा नदी। उसके उत्तर में एक पर्वत है जिसको कहते हैं सतपुड़ा पर्वत, उसके उत्तर में सॉरी दक्षिण में, उसके दक्षिण में एक नदी बहती है जिसको तापी नदी कहते हैं। फिर उसके बाद से एक यहाँ पे बीच में पठार बनता है जिसको दक्कन का पठार कहते हैं, दक्कन के पठार के अंतर्गत एक पठार रहता है जिसको दंडकारण्य का पठार कहा जाता है। दंडकारण्य का पठार मुख्यतः तीन राज्यों में फैला है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीन राज्यों में फैला है। अगर इधर से बात करें तो इधर से एक पर्वत आती है जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, एक इधर से पर्वत आकर मिलती है उसको पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ तीन यहाँ पे मिलती है वहां पे घाट बनता है, उस घाट को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोटा बेटा है, कुछ कुछ बोलते भी जा रहे हैं कि आपको याद हो जाए, सब चीजें लिखवाएंगे। अब नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वत है जिसको कहते हैं अन्नामलाई पर्वत कहते हैं, अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में एक पर्वत जिसको कार्डमम पहाड़ी कहते हैं, और ये जो अन्नामलाई पर्वत दिख रहे हो इसी पर्वत के अंतर्गत एक पर्वत चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको हम अनाई मुदी कहते हैं। तो कहिएगा अनाई मुदी कहाँ है, तो अन्नामलाई पर्वत का ही एक भाग है जिसको अनाई मुदी कहते हैं, जो दक्षिण भारत की क्या है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 2695 मीटर क्या है इसका हाइट है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी को कहा जाता है दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है और ये केरल के आसपास के क्षेत्रों में है। इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इलायची के बागानों के लिए फेमस है। एक बार आपने सुन लिया, फिर से दोबारा सुनिए। मैंने कहा कि अरावली पर्वत के उत्तर में क्या है, मालवा पठार, मालवा पठार के उत्तर में क्या है, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के उत्तर में एक सॉरी दक्षिण कहिए, अरावली के दक्षिण में मालवा पठार, उसके पूरब में बुंदेलखंड, उसके पूरब में बघेलखंड, उसके पूरब या फिर क्या कह सकते हैं उसको पूरब या दक्षिण पूर्व में छोटा नागपुर, इसके पूरब में क्या है शिलोंग या मेघालय का पठार। फिर आते हैं मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत, उसके बाद एक नदी बहती है उसको नर्मदा नदी कहते हैं, उसके बाद एक पर्वत है उसको सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, उसके बाद एक नदी बहती है इसको तापी नदी कहते हैं, इधर से एक पर्वत आकर मिलता है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, इधर से एक पर्वत आकर मिलता है उसको पूर्वी घाट कहते हैं, बीच में जो एक पठार बनता है उसको दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार कहते हैं। इस दक्कन का पठार का ही भाग एक दंडकारण्य का पठार है जो बीपीएससी में पूछा है। उसके बाद से पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसको नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है या दोदा बेटा है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके दक्षिण में आइएगा तो अन्नामलाई है, अन्नामलाई में एक छोटा सा ऊंचा सा पर्वत है जिसको अनाई मुदी कहते हैं, अनाई मुदी है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, डोडा बेटा 2637 मीटर हो जाएगी। इसके दक्षिण में आइएगा तो कार्डमम पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी किसके लिए फेमस है, इलायची के लिए, इसीलिए इसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और यह कहा जाए कि सबसे दक्षिण में दक्षिणी चोटी का नाम क्या है, तो ये कार्डमम पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है। अब कुछ आइडिया लगा कि नहीं, सब लोग बताइए थोड़ा सा आइडिया लगा कि नहीं। पहले इन्हीं सब चीजों को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे आगे का कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सब लोग बताइए कि कुछ आइडिया आपको लगा कि नहीं, जो जो मैंने बातें बोला, हर बात को हम लोग डिटेल में करेंगे लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगा कि नहीं। चलिए सवाल ऐसे ही पूछेगा आपको, सवाल ऐसे ही बहुत कुछ पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा
विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो जब तक आपको क्रम याद नहीं हो पाएगा आप कैसे बताइएगा, पूछ देगा विंध्य सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, क्या लूसेंट और क्राउन रट के आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को? नहीं, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। फिर पूछ सकता है कि सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, कहिएगा तापी नदी है। फिर पर्वतों का क्रम दे दे, कार्डमम दे दे, अनामलाई दे दे, नीलगिरी कहे कि इनका क्रम उत्तर से दक्षिण से जाइए, कैसे पता चलेगा आपको? नहीं पता चलेगा जब तक आप नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है? इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और बिंद पढ़िएगा तो बिंद में भी तीन चार वो विस्तार है, बिंद में भी यहाँ पे तीन विस्तार है, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। अब आइएगा सतपुड़ा में भी तीन, राजपिपला, महादेव, मैकाल, इसका भी विस्तार है। तो बहुत सारी चीजें आपको अभी देखने को मिलेगी। मैथ के क्लास में मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है? मैथ के क्लास में कहीं और लूंगा, मुझे अभी यहाँ के बारे में मैथ पता नहीं है, ठीक है? चलिए अब पूछ लीजिएगा एक बार मैनेजमेंट से कि क्या होने वाला है। चलिए अब आते हैं और थोड़ा सा टॉपिक पे फोकस करते हैं, जो जो बातें कहेंगे उसको नोट करिएगा, ठीक है? लिखिए, नहीं आपको मैं मैथ दिखा रहा हूँ, ठीक है? लिखना आपको है, लिखना आपको है, ये जानबूझ के मैं बोल के लिखवाऊंगा। सब लोग रेडी रहिएगा, कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा, हम चीजें बोल के लिखवाएंगे, क्योंकि आपके सामने हर चीज दिखेगा तो आपको ज्यादा आसानी होगा। और मैं साइड में भी हो जा रहा हूं थोड़ा सा कि आपको दिखाई दे, दिखाई दे रहा ना आपको, सबको दिखाई दे रहा ना? तो यहां से मैं बोल के आपको लिखवाऊंगा और सब चीजें आपको दिखाई देंगी और गो थ्रू होइएगा हर चीजों से, ठीक है? चलिए मैं बोल रहा हूं, स्टार्ट करिए आप लोग। पूरा प्रायद्वीपीय पठार का एक ढांचा बना लीजिए, उसके बाद से धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए, सब लोग लिखना अगर रेडी है तो। चलिए स्टार्ट करिए, लिखिए अरावली पर्वत अरावली पर्वत से लेकर लिखते चलिए, अरावली पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रीतम क्या कर सकते हैं, मैथ में पढ़ाऊंगा लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म पे मैथ रीजनिंग में करवाऊंगा, तो मुझे यहां का नहीं पता है, ठीक है? चलिए मैं क्या कह रहा था कि अरावली, अब कमेंट्स थोड़ा सा बंद कर दिए बीच में, ठीक है? बाद में बातें करेंगे। अरावली पर्वत से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। जैसे जैसे बोल रहे हैं सब लोग ध्यान से लिखिएगा, छूटेगा तो फिर मेरा दोस्त नहीं। अरावली पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। उसके बाद देखिए हो गया होगा सबका। अब उसके आगे लिखिए, अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है। अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है। अरावली के दक्षिण में क्या है? मालवा पठार है। अरावली के सब चीज देखते चलिए, विजुअलाइज करिए, अरावली के दक्षिण में मालवा पठार, पढ़ाई ऐसे होता है, अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है। मालवा पठार के पूरब में बुंदेलखंड है। अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है, मालवा पठार के पूरब में बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के पूरब में बघेलखंड है। अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है, मालवा पठार के पूरब में बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के पूरब में बघेलखंड है, बघेलखंड के पूरब में छोटा नागपुर पठार, थोड़ा सा इधर है, मैंने यहां दिखा दिया, बघेलखंड के पूरब में छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार के पूरब में शिलोंग पठार है, छोटा नागपुर पठार के पूरब में शिलोंग पठार है। अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है, मालवा पठार के पूरब में बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के पूरब में बघेलखंड है, बघेलखंड के पूरब में छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार के पूरब में शिलोंग का पठार है। अब आगे कंटिन्यू करिए, फिर से दोबारा पैरा चेंज करिए, दोबारा पैरा आप लोग चेंज करिए, दोबारा लिखिए, अब लिखिए फिर से दोबारा लिखिए, जहां तक लिखे थे उसके आगे कंटिन्यू करिए। अब इस सीरीज में आते हैं, लिखिए अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है, फिर से लिखिए अगले पैरा से, काटना नहीं अगले पैरा से लिखना है, मैंने गलती नहीं लिखवाया, फिर से दोबारा लिखिए। अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है, मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत है, अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है, मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। अरावली के दक्षिण में मालवा पठार है, मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है,
सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी नदी बहती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है। तापी नदी बहती है। अब आगे चलिए, सतपुड़ा इसको फिर से दोबारा आपको नदी वाले में देखिएगा। अब आगे बढ़िए, अब लिखिए इसके बाद, फिर पैरा चेंज करिए, इसके बाद लिखिए उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत है, उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत है, उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत है, उसके बाद पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है, उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत है, उसके बाद पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है, उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत है, उसके बाद पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलने से एक गांठ बनता है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलने से एक गांठ बनता है जिसे नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मिलने से एक गांठ बनता है जिस गांठ को क्या कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। अब नीलगिरी के बारे में बाद में बात करेंगे। अब आइए इसमें लिखित, सप्ताह होते जा रहा, उम्मीद करें कि सप्ताह होता जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बीच में दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बीच में क्या है, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बीच में दक्कन का पठार है, दक्कन पठार के अंतर्गत ही, दक्कन पठार के अंतर्गत ही क्या आता है, दंडकारण्य का पठार आता है, दंडकारण्य का पठार आता है, दक्कन पठार के अंतर्गत ही कैसे बोल, दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार आता है। चलिए जिसका छूट गया होगा थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बगल वाला तो है भी नहीं कि लिखिएगा, दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार आता है। मैंने कहा कि पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट के पर्वत में के बीच में दक्कन का पठार है और दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार आता है, ठीक है। हम लोग यहां तक चीजें कंप्लीट कर लिए। अब आगे लिखिए दंडकारण्य का पठार आता है। अब यहां पे आते हैं थोड़ा सा, यहां इसके बाद लिखिएगा नीलगिरी के दक्षिण में क्या है, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है और इसी में अनाई मोदी। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत है, ये देख रहे हो जो ए वाला अन्नामलाई पर्वत है और इसी में क्या है, अनाई मोदी क्या है, और इसी में अनाई मोदी पर्वत चोटी है, इसी में अनाई मोदी पर्वत चोटी है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, जो फैक्ट होगा बाद में लिखवाऊंगा। इसी में अनाई मोदी पर्वत चोटी है। अब इसके आगे कंटिन्यू करिए, अन्नामलाई के दक्षिण में क्या है, कार्डमम या इलायची पहाड़ी है, जो भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी है, ठीक है। हाँ, बीच में मैंने क्या लिखवाया पढ़िएगा,
अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम या इलायची पहाड़ी है, जो भारत का क्या है, जो भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी है, जो भारत का क्या है, सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी है। कहानी खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब हर चीजों को खोल के हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्ट पूछा जाता है आपसे, हर चीज को मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, किसी का छूटा नहीं ना कुछ, किसी का छूटा नहीं ना कुछ। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, अब कहां से बोले कहां से नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा। जानते हैं बोल के क्यों लिखवाया हम, क्योंकि मैप आपके सामने रहेगा ना तो आप ज्यादा चीजों को कर पाइएगा, इसीलिए हम आपको बोल के लिखवा रहे थे। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि मैप आप देख देख के चीजों को देखिएगा आप ज्यादा। अभिषेक जी गुड इवनिंग, हो गया सबका। चलिए अब आप इजाजत करिए तो एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करें। सबसे पहले टॉपिक क्या दिख रहा था आपको, अरावली। लिखिए पहला हेडिंग डालिए अब इसमें, अरावली पर्वत। अब मजा आएगा, चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। लिखिए अरावली पर्वत श्रेणी। यहां से जितना फैक्ट लिखवाऊंगा वहीं से सवाल आपके बन जाएंगे, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। चलिए अब सुनिए, एक एक के बारे में हम डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कई लोग कह रहे हैं जल्दी करो, मतलब कि किसी को लग रहा है कि ज्यादा समय ले रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में पढ़वाने के लिए समय मुझे चाहिए भाई, और मैं इतना फास्ट चलूंगा लेकिन अब छोड़ के मैं कुछ नहीं चलता, तो इसीलिए आराम से ये चीजें सबको मैं बता के चलूंगा। मैं कुछ छोड़ के चलता हूं तो मेरे को लग रहा है कि मैं अपने आप से धोखा कर रहा हूं, ठीक है, ये काम नहीं करते। अरावली पर्वत के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे आपको मैं बता रहा हूं, जितना मैं लिखवा दूंगा उससे एक भी पॉइंट बाहर आपके नहीं आएंगे। पहला सवाल पूछा जाएगा कि अरावली जो है दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतों में आता है, तो कहा जाएगा कि अरावली क्या है, तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है, पुरानी पर्वत है। अरावली का निर्माण किस काल में, लिखना नहीं है मैं लिखवाऊंगा सब, अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में। पहला पॉइंट क्या है कि अरावली दुनिया के विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में शामिल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि अरावली जो है किसका, अरावली जो है का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, काल जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली जो है क्या कहते हैं इसको, रिजिड्यूअल या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। रिजिड्यूअल अवशिष्ट क्या होता है कि जब पर्वतों में घिसावट होती है तो पर्वत घिस जाती, उसको रिजिड्यूअल कहा जाता है। तो अरावली किस तरह का पर्वत है, अरावली रिजिड्यूअल या फिर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। अरावली का विस्तार जो है गुजरात, आपको यहां दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा इधर तक है, मैं दिखाया नहीं हूं जगह नहीं था। अरावली का विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक है, 800 किलोमीटर लगभग विस्तृत है, यानी कि गुजरात के पालमपुर से लेकर मजनू के टीला तक विस्तार है। किसका, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है, यह सवाल पूछता है। आखिर एक सवाल पूछता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पिक जो है, यानी कि माउंटेन रेंज है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम क्या है, आपने पढ़ा होगा, नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, ठीक है। आपके अरावली के बारे में इतना ही सवाल पूछा जाएगा, नोट डाउन सारे लोग करिए। लिखिए अरावली में आपको कहां चला गया भाई, अरावली के बारे में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, जितना मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं सब पॉइंट को नोट करिए। पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह प्राचीनतम, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत, प्राचीनतम पर्वत है, जिसका निर्माण किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री कैम्ब्रियन, यहां पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये सवाल पूछेगा आपको, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि अरावली अरावली वलित और अरावली जो है किसका कैसा उदाहरण है, ए अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, रिजिड्यूअल, इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसी हिंदी को, हिंदी में लिख देगा इंग्लिश को,
अरावली जो है अवशिष्ट रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण, पर्वत का उदाहरण है। आगे लिखिएगा इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात के, गुजरात के पालमपुर से लेकर, से लेकर दिल्ली के, दिल्ली के मजनू के टीला तक है। इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर मजनू के टीला तक क्या है, इसका विस्तार है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लगभग कितना किलोमीटर में, 800 किलोमीटर में। आगे लिखिए कि अरावली की के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, अरावली का, अरावली का सर्वोच्च शिखर मतलब सबसे ऊंचा शिखर, सर्वोच्च शिखर हाइएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, ब्रैकेट में लिखिएगा 1722 मीटर है, जो राजस्थान के, जो जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, माउंट, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इतने पॉइंट्स आपको अरावली से पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी पॉइंट्स नहीं पूछा जाएगा। यह प्राचीनतम पर्वत है जिसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था, अरावली अवशिष्ट रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, इसका विस्तार गुजरात से लेकर, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू तक की टीला तक है, अरावली का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, गुरु शिखर, जो कहां पर है, माउंट आबू में, ये पूछा जाएगा आपसे, माउंट आबू में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई भी ध्यान रख सकते हैं, 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने ये चीजें लिख रही होगी। ठीक है, हो गया तो जल्दी बताइए, हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, जल्दी बताइएगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, एग्जाम के टाइम और हर चीज को देखते हुए सिलेबस लेके चलना पड़ेगा, खाली पढ़ाने से नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, और अरावली के बाद से क्या आएगा, अरावली के बाद से मालवा आ गया। ठीक है, मालवा के पठार में आपको सवाल ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, मालवा के पठार में जो सवाल पूछेगा आपको उसको हम रिपीट करवा दे रहे हैं। मालवा का पठार, अगला हेडिंग डालिए मालवा का पठार, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा आपको, मालवा का पठार, इसके बारे में बस एक ही बात जानिए कि मालवा का पठार क्या है, अरावली के, यह अरावली के दक्षिण में स्थित है, यह अरावली के दक्षिण में स्थित है, और इसका निर्माण, और इसका निर्माण, और इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, ज्वालामुखी लावा से हुआ है, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, अर्थात अर्थात बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए, ये क्या है, अरावली के दक्षिण में अवस्थित है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी जो आता है ऊपर और क्या बन जाता है, ठंडा होकर लावा कहलाने लगता है, उसी से निर्माण हुआ है, अर्थात इसके चट्टानों के टूटने से हुई है, बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। ठीक है, नहीं, बेसाल्ट चट्टानों से हुई है, लिखिए, टूटने फूटने तो मिट्टी बन जाए, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से, बस इतना लिखिए, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक आते हैं, उधर चलते हैं उस साइड में, चलिए हो गया, आगे चलते हैं, इसके पूरब में चलिएगा, आपको दिखाते भी चलो, तो इस साइड बघेलखंड बुंदेलखंड के बारे में आपको ज्यादा जानना नहीं, सीधे छोटा नागपुर के पठार के बारे में आइएगा, लिखे छोटा नागपुर पठार के बारे में, लिखे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, हेडिंग होगा छोटा नागपुर का पठार, लिखिएगा इसका विस्तार, इसका विस्तार दो राज्यों में, इसका विस्तार कहां कहां है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है,
इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका देखिए, जो नोट्स लिखवा रहा हूं, इस नोट्स का आपको टाइपिंग भी करवा के डाला जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का आपको डाल दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का मैंने नोट्स अपना खुद नोट्स दे दिया है, उसको टाइपिंग करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा। कल बात हो चुका है इस मैटर पे, जो मुझे पता है उसको कंफर्म मैं बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं बोलूंगा वो लिखिएगा, ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि नोट्स हो सकता है ज्यादा मिल जाए आपको। इसका विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये बात, इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि 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 यह खनिज संसाधन के लिए, खनिज संसाधन से संपन्न है, संपन्न है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर कहां? जर्मनी में है, और जर्मनी में जो रूर है वो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज संसाधन मिलते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया सबका? उम्मीद कर रहे कि सबका हो गया होगा। अब आगे लिखिए, हो गया सबका? बढ़े आगे क्योंकि कम से कम ये सारा चीजें आपको लिखवा दें आज, कि आगे हम लोग जल्दी जल्दी मूव कर सके। बहुत फास्ट चल रहा हूं मैं, ठीक है। बल आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, नहीं तो मैं चीजों को बहुत फास्ट लेके चल रहा हूं। चलिए, कहां तक आ गए? छोटा नागपुर। अब सीधे इस पार आ जाइए, शिलोंग पठार पे। अगला हेडिंग डालिए, शिलोंग पठार। शिलोंग पठार लिखिए, शिलोंग पठार। इसी को मेघालय पठार भी कहते हैं, मेघालय पठार इसी को कहते हैं। इसका विस्तार दो राज्यों में, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि इसी का गारो खासी जयंती है, जो पहाड़ियां हैं इसी के भाग। लिखिए, इसका विस्तार दो राज्यों में है। इसका विस्तार दो राज्यों में है, असम और मेघालय। असम और मेघालय, यह छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। छोटा नागपुर पठार ही आगे बढ़ा था, उसी का भाग है। लेकिन यह छोटा नागपुर पठार का ही, यह छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। अग्रभाग है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत गारो, आपको पढ़ाया था मैं, इसके अंतर्गत गारो खासी जयंतिया, ये तीनों कहां पर है बताइएगा। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, मेघालय में, और मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा की पहाड़ी कहां है? असम में। मैंने क्या बोला कि इसके अंतर्गत गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां आती। आती है, अर्थात यह छोटा नागपुर के, अर्थात अर्थात यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग। यहां से भी सवाल ज्यादा नहीं आते, का ही भाग है। इसको ज्यादा फोकस मत करिएगा, बस इसको देख लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आगे क्या कर सकते हैं मधुबाला जी, अब हर चीज तो हम नहीं कर सकते हैं ना। इसके अंतर्गत गारो खासी जयंतिया कहाँ है पहाड़ी? मेघालय में। और मिकिर और रेंगमा कहाँ है? असम में। पहाड़ियां आती हैं, अर्थात यह प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है? भाग है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मैंने बताया था कि मेरा चैनल है, लास्ट में क्या होगा कुछ भी दिक्कत आता है तो आपके टीआरई से पहले गर्दा मचा देंगे अपने चैनल पर। जो भी बचेगा आपका, हर चीज मैं वहां पे कंप्लीट करवा दूंगा। चैनल का नाम ऑलरेडी बता चुका हूँ, घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। अर्थात मिकिर और रेंगमा असम में पहाड़ियां है, और प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है? ये भाग है, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं, छोटी छोटी बातें से टेंशन नहीं लेते हैं। जो सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाता है इसको आराम से पहले कंप्लीट करिए, ज्यादा सोचिएगा तो चीजें और खराब हो जाएंगी, ठीक है। जो आपको मिल रहा है अच्छा से उसको अच्छा से अडॉप्ट करिए, बाकी की चीजें आप लोग देख लीजिएगा।
हो गया सबका। हो गया सबका, एक बार ओके करिए, उसके बाद से आगे मैं चलता हूं। अब आगे चलते हैं और अगला क्या होगा आपका हेडिंग, आगे आपको नीचे आइएगा तो क्या आएगा, बिंध पर्वत। हेडिंग डालिए बिंध्य पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दो बीबीआई बिंध्य पर्वत क्या है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बीबीआई है। बिंध और सतपुड़ा आपके लिए क्या है, बीबीआई है। बिंध पढ़ाने से पहले आपको एक मैं डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम को ध्यान से फिर से दोबारा देख लीजिए। आपने डायग्राम तो कई जगह देखा होगा, लेकिन फिर से मैं आपको एक चीजें दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर डायग्राम यहाँ पे क्या है, दिख रहा है ना रेड, हाँ रेड तो दिख रहा है। ये क्या है, मालवा का पठार, ये क्या है मालवा का पठार। एक छोटा मोटा मैं आपको डायग्राम रफ दिखाते चलता हूं। यहाँ पे मालवा पठार के नीचे क्या था आपका, यहाँ पे मालवा पठार के नीचे क्या था आपका, विंध्य पर्वत। क्या था ये, क्या है आपका, विंध्य पर्वत है। जानबूझ के दिखा रहा हूं कि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए, विंध्य पर्वत ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है। नीचे आइएगा तो नीचे एक पर्वत है जिसको क्या कहते हैं, नीचे वाले पर्वत को, इसको सतपुड़ा कहते हैं, सतपुड़ा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में कुछ नदियां भी बहती थी, आपको याद होगा यहाँ पे एक नदी बहती है, इस नदी को क्या नाम देते थे हम, नर्मदा नदी नाम देते थे, और यहाँ पे एक नदी बहती थी, इस नदी को क्या, तापी नदी नाम देते। फिर दोबारा ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, दोबारा डायग्राम बना लीजिए, उसमें कुछ मैं नया करने वाला हूँ। देखिए विंध्य पर्वत को मैंने बस वहां पे विंध्य दिखा दिया था, लेकिन विंध्य पर्वत का विस्तार पूरब की तरफ तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाम नोट करिएगा, भारनेर कैमूर, भारनेर या भांडेर लिखता है कहीं कहीं, भांडेर, भांडेर ज्यादा मोटा हो रहा है ना, भांडेर क्या है, भांडेर। दूसरा क्या है, कैमूर, कैमूर पहाड़ी आप सुने होंगे, चूना पत्थर, कैमूर और पारस नाथ, ये झारखंड में, भारनेर कैमूर पारसनाथ। विंध्य का विस्तार तीन पर्वतों के रूप में, भारनेर कैमूर और पारसनाथ, ठीक है। वैसे ही इसका दक्षिण में आइएगा तो एक नदी बहेगी नर्मदा नदी, तो पूछेगा कि नर्मदा भ्रंश, भ्रंश क्या होता है, जो दो पहाड़ियों के बीच में जब नदी बहती है उसमें गड्ढा का निर्माण होता है, उसको भ्रंश कहा जाता है। तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच में एक नदी बहती है, इसको नर्मदा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। इस भ्रंश को हम नदी वाले में ज्यादा अच्छा से क्लियर करेंगे। अगर आगे आते हैं तो सतपुड़ा में क्या आएगा, राजपीपला, 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 महादेव, महादेव और मैकाल। ये आपके सतपुड़ा पर्वत भी किसके, तीन पर्वतों के रूप में फैला है, एक को राजपीपला कहते हैं, एक को महादेव और एक को मैकाल के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत भी तीन पर्वतों के रूप में फैला है, एक को भांडेर कैमूर और एक को पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। अब क्या करना है, कुछ कुछ चीजें लिखिएगा, हो गया सबका डायग्राम, हो गया वो, सब लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब क्या करिए, डायग्राम सबका हो गया तो यस करिए, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और विंध्य को थोड़ा सा डिटेल में उसके बातों को लिखते हैं, देखते हैं कहां तक हम लोग आज पहुंच पाते हैं। हो गया सबका, पीएस का ही नहीं ऐड हो रहा यार, चलिए हो गया सबका। अब लिखिएगा कि अब विंध्य पर्वत आपने हेडिंग जो डाला होगा उसी को क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपने सर चीजें देख लिया होगा विंध्य के बारे में, क्या क्या देखा, भांडेर कैमूर पारसनाथ तीन पहाड़ियों के बीच में फैला है, तो क्या लिखिएगा विंध्य पर्वत के बारे में, नोट करिए, लिखिए विंध्य पर्वत का विस्तार, इसका विस्तार लिखिए, यह मालवा पठार के दक्षिण में है, यह मालवा पठार के कहां है, दक्षिण में, सबको समझ में आ रहा होगा जहां तक कि मुझे है उम्मीद है, दक्षिण में है
और ती पूर्व के तरफ, और पूर्व के तरफ ना ना दक्षिण में है, और इसके दक्षिण में, और इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, और उसके दक्षिण में, और उसके सब एक ही जगह लिख दे रहा, और उसके दक्षिण में, और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, अर्थात नर्मदा नदी, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपको हर चीजें मैं आपको क्लियर कराता चलूंगा। इसके बारे में मैंने जो जो लिखवाया आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि मैप पे, कि यह मालवा पठार के दक्षिण में है और इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूं कुछ चीजें जो बनाया था, सबने बना लिया, सबने बना लिया होगा, सबने बना लिया है ना। चलिए मैं क्या कह रहा था इसको दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसका विस्तार जो है विंध्य का कहां है, मालवा के दक्षिण में है। सब चीजें समझ में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कितना भी कमजोर इंसान हो, कुछ भी हो, सबको समझ में आएगा। मेरी क्लास की एक खास बात होती है, इसका विस्तार मालवा के किधर है, मालवा के दक्षिण में है, और मालवा के दक्षिण में जाइएगा तो क्या है, मालवा के दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी है, और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, और ये जो नर्मदा नदी है विंध्य और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये चीजें लिखवा दिया। अब क्या लिखवाने वाला हूं कि विंध्य पर्वत पश्चिम से पूर्व के रूप में तीन पर्वतों के रूप में फैला है, कौन सा, भांडेर कैमूर पारसनाथ, क्रम याद रखिएगा, भांडेर कैमूर पारसनाथ, भांडेर कैमूर पारसनाथ। तो इस चीज को फिर से नोट करिए, लिखिए विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत पश्चिम से पूरब तीन पर्वत श्रेणियों के रूप में फैला है, तीन पर्वत श्रेणियों, तीन पर्वत श्रेणियों के रूप में फैला है, रूप में फैला है, भांडेर कैमूर, भांडेर कैमूर और क्या होगा, पारस नाथ, तीन पर्वत श्रेणियों के रूप में फैला है, भांडेर कैमूर और पारस नाथ। तो ये क्या रहा आपका, पूरी कहानी रही किसकी, पूरी कहानी रही आपकी किसकी, विंध्य पर्वत की। ठीक है, हो गया सबका, हो गया तो बताइए सतपुड़ा पे मूव करते हैं। ठीक है, आज मेरा टारगेट है कि कम से कम सतपुड़ा, उसके बाद से सतपुड़ा हो गया, उसके नीचे आइएगा पश्चिमी घाट पर्वत, चलिए जहां तक हो सके, अब क्या कहें आप पहले ही, क्योंकि डायग्रामेटिक बताने में शुरू में थोड़ा सा आपको परेशानी होती है। ठीक है, शुरू में समझाने में डायग्राम दिक्कत होता है, अब जो अगला क्लास होगा अब आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हर चीजें आपने सीख लिया होगा। अब क्या लिखिएगा अगला, आपका हेडिंग क्या होगा, सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी उम्मीद कर रहे हैं कि, अब अगला हेडिंग क्या होगा आपका, अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग होगा सतपुड़ा। अरे भाई मेरे, उस पीक का नाम सब लिखवाए कि घबरा क्यों रहे हो, वहां पे कोई चोटी नहीं पूछा जाता है। मैं आपको चाहे सबिंदर सिंह उठा लीजिए, महेश कुमार बनवाल उठा लीजिए, चाहे रामचंद्र तिवारी उठा लीजिए, जेसी लियोन उठा लीजिए, उसके बाद से खुल्लर का बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिए, आपको वहां चोटी नहीं लिखेगा, चोटी वहां नहीं दिखेगा, आपको चोटियों का क्रम वहां नहीं पूछेगा। जहां चोटी लिखवाना है मैं आपको लिखवाऊंगा, जैसे कि अरावली का, जितना मैं चोटी लिखवाऊं उतना ही याद रखिए ना, नया नया चोटी बनाने के चक्कर में क्यों लगे हैं। जितना मैं चोटी लिखवाऊं मैं कहता हूं बस मेरे पे भरोसा करिए, कोई चीज मैं आपको छोड़ के नहीं निकलूंगा। जितना मैं चोटी, जितना माउंटेन पीक लिखवा दूं उतना बस याद कर लीजिए। कितना अभी याद करना है आपको, बस एक ही याद करना था
कि अरावली के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। बस इतना ही याद करना था। अब जो याद करना है आपको, इसमें याद करना है अमरकंटक वाला, ये आपको मैं लिखवा रहा हूँ। चीजें समझ में आ रही? तो कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, आप एकदम भरोसा करिए। पीसीएस का नोट से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप बिल्कुल भरोसा रखिए मेरे पे, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है? आगे लिखे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा के बारे में क्या क्या सवाल पूछता है आप खुद बताइए। सतपुड़ा कहाँ है, आप लोकेशन खुद बता सकते हैं कि सतपुड़ा को आपको दिख ले जाएगा। सतपुड़ा सीधे कहां पर है आपको दिख जाएगा। सतपुड़ा कहाँ है? नर्मदा के दक्षिण में और बिंदे के दक्षिण में है, ठीक है? तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखवाएंगे तो आपको क्या फायदा, पहले ही लिखवा चुके हैं। लिखिए सतपुड़ा का विस्तार, सतपुड़ा एक क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एक बता चुका हूं शुरू के क्लासों में ब्लॉक पर्वत क्या होता है, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। ब्लॉक पर्वत का क्या है? उदाहरण है। सतपुड़ा क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व, इसका विस्तार, आपको लग रहा होगा नीलगिरी का मैंने हाईएस्ट पिक नहीं लिखवाया, अनाइमोदी का नहीं लिखवाया, आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आएगा तो एक एक चीज जो डिटेल में, अभी तो बस ट्रेलर दिखा रहा था कि यहाँ पे नीलगिरी है, मैं आपको दिखा दिया, एक ही बार लिखवाना स्टार्ट करो दिक्कत होगा। यहाँ नीलगिरी है, अनामलाई है, यहाँ कार्डमम है, यहाँ पर ये है वो है, बस मैंने आपको दिखाया, एक नमूना मैंने पेश किया, ट्रेलर पेश किया, उसका सब तो डिटेल में लिखवाऊंगा ना, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सेकंड हाईएस्ट पिक कौन है, नीलगिरी के कौन है, हर चीज लिखवाऊंगा, घबरा क्यों रहे हैं आप, ठीक है? इसका विस्तार बस मेरे पे छोड़ दीजिए, जितना करवा रहा हूं बस आपका काम क्या है, जितना मैं करवा रहा हूं बस आप उतना कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद सारी गलती मेरी। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तीन पर्वत श्रेणियों के रूप में है, तीन पर्वत श्रेणियों के रूप में है। कौन से तीन पर्वत श्रेणी है भाई, उसका नाम नोट करिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था तीन पर्वत श्रेणी कौन से है, राजपीपला महादेव और मैकाल। इसका विस्तार तीन पर्वत श्रेणियों के रूप में है, राजपीपला महादेव और मैकाल। इसकी बातें मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दी थी कि इसका विस्तार जो है राजपीपला महादेव मैकाल जो है इसके रूप में इसका क्या है विस्तार है। आपसे पूछा जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, आ गया ना? तो महादेव में स्थित है, इसका नाम है क्या? धूपगढ़। इसका नाम है, स्थित कहां पे? महादेव पर्वत जो रेंज है उसमें स्थित है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो पूछा जाएगा कि आ गया तो लिखवाया ना फिर, इससे यहां पूछा जाएगा कि पूरा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची हाईएस्ट पिक का नाम क्या है, आप कहिएगा उसका नाम क्या है, आपका नाम है धूपगढ़ चोटी है, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करिए, लिखिएगा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ ब्रैकेट में लिखे 1350 मीटर है, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। मैंने क्या बोला कि पूरा सतपुड़ा पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक आपसे पूछा जाए तो बताइए कि सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, इसका नाम क्या है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पंचमढ़ी हिल है ना, पंचमढ़ी हिल के पास अवस्थित है। तो मैं आपसे सवाल क्या बनेगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। इतना करता हूं कि जब हर जगह आपको हाइट भी लिखवाता चलता हूं, हाइट सब लोग लिखवाते नहीं है। मैंने कहा कि सतपुड़ा के सबसे हाईएस्ट पिक का नाम क्या है, धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। एक इसकी हाईएस्ट है, पूरा सतपुड़ा के सबसे हाईएस्ट पिक है, यानी पूछो पूरा सतपुड़ा में सबसे ऊंचा जगह कौन सा है, तो क्या नाम है इसका, धूपगढ़ उसका नाम है। और वो धूपगढ़ कहां है, महादेव पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। लेकिन आगे लिखिएगा, यही पे एक बात और लिखिए आगे, लेकिन अगर यहां से सवाल आता है कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, मैकाल पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। किसका नाम है? अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। यहां अमरकंटक है, यहां पे क्या है, अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर
है, यहाँ पे अमरकंटक है, लेकिन अमरकंटक 1036 है और कितना था 1350 था, तो इससे क्या है कम है। तो अगर पूरा का सबसे हाईएस्ट कहा जाए तो धूपगढ़ होगा, लेकिन अगर स्पेशली मैकाल का हाईएस्ट पूछा जाए तो क्या होगा अमरकंटक है। तो लिखिए मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है, अमरकंटक है। ऊंचाई लिख लीजिए 1036 मीटर, ठीक है। और यहां से दो नदियां निकलती हैं, अमरकंटक से आपने सुना होगा दो नदियां निकलती है, जो एक पूरब की ओर उत्तर की ओर बहती है जिसका नाम क्या है सोन नदी, और एक पश्चिम की ओर बहती है जिसका नाम क्या है नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से होता है, और एक उत्तर की ओर नदी बहती है। ऐसा पूछता है सवाल कि कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी है जहां से दो नदियां निकलती है, एक उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है जिसके सोन की बात करता है, और एक पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, उस जगह का नाम है अमरकंटक, उस जगह का नाम है। तो लिखिएगा कि यहां से अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, दो नदियों का क्या होता है उद्गम होता है, नर्मदा और सोन। बस इतना ही लिखना है कि अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, एक को कहते हैं नर्मदा और एक को क्या कहते हैं सोन, ठीक है। कल से कोशिश करूंगा कि टाइम से क्लासेस स्टार्ट करूं आपका, लेकिन फिर भी 3:15 तो हो ही जाएगा, कितना भी कोशिश करता हूं थोड़ा सा ऐसा शेड्यूल है कि इतना क्लासेस रहते हैं कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हो गया, सबने लिख लिया जितना मैंने पढ़ाया, समझ में आया आपको, इसके आगे कल से हम कंटिन्यू फिर से करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतने यहीं पे छोड़ते हैं, और आज हमने क्या क्या स्टडी किया फिर से दोबारा आपको एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं। आज हमने स्टडी किया ओवरऑल क्या कि जिन्होंने लेट से जुड़ा है जो लोग, वो लोग फिर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा बैक करके। पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि मैंने ये कहा कि अरावली से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक विस्तार, कार्डमम पहाड़ी तक विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, जिसमें सबसे पहले क्या अरावली है, अरावली के दक्षिण में क्या है मालवा है, मालवा के पूर्व में बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर इससे पूर्व में क्या है छोटा नागपुर, फिर इसका विस्तार क्या है सिलोंग का पठार है। अब बात करके मालवा के दक्षिण में क्या है विंध्य पर्वत है, उसके दक्षिण में नर्मदा नदी है, फिर दक्षिण में क्या सतपुड़ा पर्वत है, उसके दक्षिण में तापी नदी है, इधर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं नीलगिरी, इसको डिटेल में मैं करवाऊंगा, ठीक है। हाँ मैं तो कह सकता हूं ना यार बाकी, लेकिन मेरे हाथ में हर चीज नहीं हो पाती है, बीच में दक्कन का पठार, फिर अन्नामलाई पर्वत, फिर कार्डमम पहाड़ी, सबके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया कि अरावली पर्वत जो है प्रीकैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, ये अवशिष्ट या रेसिडुअल पर्वत का क्या है उदाहरण है, और इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर कहां तक है दिल्ली के मजनू तक के टीला तक है, ये अवशिष्ट और सबसे प्राचीनतम पर्वत का उदाहरण है, और अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर राजस्थान के माउंट आबू में अवस्थित है। उसके बाद से मैंने बात किया मालवा के बारे में, कोई खास बात नहीं है, यह ज्वालामुखी से बना है, फिर मैंने बात किया छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि खनिज के लिए संपन्न है, शिलोंग का पठार दो राज्यों में फैला है असम और मेघालय में, और इसी के अंतर्गत गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियां आती है। विंध्य पर्वत के बारे में मैंने कहा कि मालवा के दक्षिण में अवस्थित है, ये तीन पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है भारनेर कैमूर और पारसनाथ, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत कैसा उदाहरण है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और तीन पर्वत चोटियों के बीच रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है, एक को कहते हैं क्या राजपीपला महादेव मैकाल। मैं कहा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि कहां पर अवस्थित है आपको धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी में अवस्थित है। अगर बात करें कि यहां पे महादेव तो हो गया, लेकिन मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है, जो कि कहां पर अवस्थित है, यहां से दो नदियां निकलती है, एक जो उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिलती है सोन नदी, और एक पश्चिम की ओर बहते हुए मिल जाती है आपको कहां पर इधर मिलती है आपको खंभात की खाड़ी में गिरती है, उसको क्या कहते हैं नर्मदा नदी कहते हैं। यहां सतपुड़ा तक हमने चीजों को देखा, कल हम लोग पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे, उसके बाद से यहां पे नीलगिरी पढ़ेंगे, अन्नामलाई, कार्डमम, इन सब सारी चीजों को क्या करेंगे प्रायद्वीपीय पठार को एंड करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को एंड करने के बाद से द्वीप में आएंगे, द्वीप ज्यादा समय नहीं लगेगा, तटीय मैदान, ये सब चीजों को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, मजनू का टीला पर अस्तित्व नहीं है, लेकिन मजनू का टीला एक पहाड़ी है दिल्ली में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिल्ली नहीं मजनू का टीला पर ही अवस्थित है, इतना बड़ा मजनू का टीला
नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग मैनेजमेंट से शेयर करिएगा, बाकी जो भी आप लोग हमारे हमको हमको बताते हैं हर बातें मैं मैनेजमेंट तक पहुंचाता हूँ, ठीक है। हर बातें मैं आपकी मैनेजमेंट तक पहुंचाता हूँ, बाकी अब हर चीज तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं बताने की, बाकी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अब बात एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, नोट्स भी मैं अपना प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी मैं नहीं जानता हूँ लेकिन अपना नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, सेशन देखने के लिए थैंक यू सर।